99% लोग नहीं जानते लीवर को साफ करने का ये तरीका, क्योंकि कोई बताता नहीं, लेकिन आज आप जरूर जान लें, 100 साल से भी ऊपर जिएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, अगर आप लीवर की सफाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत भी है। जी हाँ दोस्तों, टेबल शुगर और एडेड शुगर को अवॉइड करना शुरू कर दें। दोस्तों, हमारा शरीर, हमारे लीवर, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है और हमारे शरीर में कई कार्यों को कार्यरत और क्षमता प्रदान करता है ताकि हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहे। उसी प्रकार किडनी भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई डिजीज होती है या फिर किडनी फेल्योर जैसी समस्या उत्पन्न होने वाली होती है तो भी हमारे शरीर में बहुत से बदलाव होने लगते हैं। इसलिए इन तरीकों से आप किडनी और लीवर दोनों की सफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, उसे कभी कोई गंभीर बीमारी का सामना ना करना पड़े, लेकिन बिगड़ती दिनचर्या और बदलते खान पान के चलते हर व्यक्ति स्वस्थ रहने की इच्छा नहीं पूरी हो पाती है। दोस्तों, एक बार हमारे शरीर में किसी बीमारी ने प्रवेश कर लिया तो समझ ले धीरे धीरे हमारा शरीर बीमारियों का घर बनकर रह जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लीवर की सफाई करते हैं तो आप काफ़ी समय तक अपने शरीर को बनाए रख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों, फाइबर आपके पूरे शरीर को साफ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में क्रूसीफेरस सब्जियों में भरपूर फाइबर होता है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों और कार्सिनोज को बाहर निकालने में मदद करती है। ऐसे में आप गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी जैसी सब्जियों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ये क्लिंजिंग एंजाइम को ट्रिगर करता है। नंबर दो, दोस्तों, तरबूज डायूरेटिक होता है, यानी कि शरीर में यूरिन के फ्लो को सही करता है। साथ ही यह लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में भी मददगार होता है। यह लीवर के कामकाज को तेज करता है और अमोनिया प्रोसेस करके इसे शरीर से बाहर निकालता है। बता दें कि अमोनिया प्रोटीन पचाने के बाद निकलता है, जिसके लिए लीवर का सही होना जरूरी है। नंबर तीन, दोस्तों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अध्ययनों से पता चला है कि जैतून का तेल एंजाइमों के एंटीऑक्सीडेंट गुणों को बढ़ाता है। इसलिए अन्य प्रकार के तेलों को इस्तेमाल करने के बजाय जैतून के तेल का सेवन करना बेहतर होता है। यह फैटी लीवर की समस्या को भी खत्म करता है। नंबर चार, जी हाँ दोस्तों, क्रैनबेरी एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्वों को भरपूर होता है। दरअसल क्रैनबेरी में एक शक्तिशाली प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। दोस्तों, आपके शरीर में मुक्त कणों को फ्लश करने के लिए आपकी किडनी का स्वस्थ रहना, आपके लीवर का स्वस्थ रहना बेहद ही जरूरी है। नंबर पाँच, जी हाँ दोस्तों, नट्स, विशेष रूप से अखरोट, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ग्लूटाथियोन में उच्च होते हैं, जो लीवर को प्राकृतिक रूप से साफ करने और लीवर एंजाइम के स्तर में सुधार करने में मदद करते हैं।